नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश पुलिस मना रही है अपना स्थापना की 50वीं गौरवशाली वर्ष। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को दी बधाई। पीटीसी बंदरदेवा में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य के गृह मंत्री बावंग फेलिक्स और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आकांक्षी जिला नामसाई में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से बातचीत में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से टेलीकॉम कनेक्टिविटी से संबंधित योजनाओं पर अमल कर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में की समीक्षा बैठक। कहा मिशन 500 प्रोजेक्ट का लक्ष्य नॉर्थ ईस्ट रीजन के सभी गांवों को 500 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना है 4G कनेक्टिविटी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस अपना स्थापना की 50वीं गौरवशाली वर्ष मना रही है। राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को बधाई देते हुए कहा है कि ट्रांसपेरेंट और पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग से राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिल रही है। इस उपलक्ष्य में आज पापुमपारे जिले के बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य के गृह मंत्री बावंग फेलिक्स, कई मंत्री, विधायक, पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा और विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। इस खास मौके पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस IRBN और CRPF की कुल 12 प्लाटून ने परेड में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने APP गोल्डन जुबली सर्विस मेडल की घोषणा की। APP के फर्स्ट बैच के अधिकारियों और DGP कमेंडेशन अवार्ड से सम्मानित अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया। गत 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चिंपू में आयोजित APP गोल्डन जुबली इंटर जोनल खेल और अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। अभूतपूर्ण रोल है आप और अरुणाचल का कोने कोने में जाके लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए आपने जो किया है उसमें मैं आप सभी को सैल्यूट देता हूँ। और जो जिन्होंने आज ने अपना जीवन आहुति दिया अरुणाचल प्रदेश के सेफ्टी के लिए, अरुणाचल प्रदेश का शांति के लिए जीवन आहुति किया है, मैं उनको भी आज का दिन में श्रद्धांजलि देता हूँ। साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी का जमाना है, तरह तरह का क्राइम निकल के आया है, तो उसको कंटेन करने के लिए हमको भी इक्विप्ड होना है। डीजी साहब ने बताया है, इसलिए चैलेंजेस जो है हमारा गंभीरता से हमारा जो चैलेंजेस को लेना है, साइबर क्राइम को कंटेन करने के लिए सोशल मीडिया का जमाना है, फेक जो है न्यूज है, फेक न्यूज ज़्यादा हो रहा है और फेक न्यूज़ को कंटेन करने के लिए हमारा पूरा का पूरा तत्परता होना है फेक न्यूज को कंटेन करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश कोने कोने में ये डार्क सेवन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसमें हमारा पुलिस बल का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कैंपेन अगेंस्ट डार्क में जो आपने जो आपने दिखाया है आपका जो सर्विस है ये सराहनीय है। मैं तो कहूँगा कि ब्रश के लिए अरुणाचल का आपका जो नौजवान है, आने वाले जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस इज रैंक फर्स्ट इन दिल्ली स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल एंड उत्तराखंड आल्सो इन द CCPNS। वी आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सिटीजन सर्विसेज टू ऑनलाइन मींस। To further improve our response to the people in distress, we have already revamped the ERSS 112 system in 15 districts now by integrating all emergency helpline numbers. We plan to leverage technology to increase service delivery efficiency to the people. In this regard, we have also recently collaborated with NIT Itanagar and organized a hackathon to challenge young minds to find new ways solutions for
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आज आकांक्षी जिला नामसाई में केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने का आह्वान किया। श्री सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्राथमिकता के साथ विकास कर रही है और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। हर महिला को रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो पहले 2018 साल में भी, उससे पहले तो और भी खराब था, तो उस समय भी जो था इसे एकदम अचीव कर गया 100%। हर एक एक महिला को हमारे सरकारी हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन होता है, उनको बच्चे इंस्टीट्यूशन में होता है, एजुकेशन सेक्टर में भी, जो हमारे बच्चे को ध्यान देना, कैसे स्कूल को अच्छे बनाना, इसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी होता है। जल जीवन मिशन के अभी अभी आया है बेनिफिशियरी, उनको इतना खुश हुआ, घर में विशुद्ध पानीय जल मिल रहा है। पहले उनको एकदम हार्ड वाटर मिल रहे थे, पानी पीने से बहुत तकलीफ होता, तबीयत गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन आज उसको घर घर में पीने का पानी मिलता है। जल जीवन मिशन के जो हमारे एक यूनिक डिज़ाइन करके जो एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट नामशाई का प्रोजेक्ट है। हमारे सारे अधिकारीगण सबका इसमें योगदान है, पार्टिसिपेशन है। ये प्रोजेक्ट इंडिया में टॉप 5 के एक बन गया। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो कम्युनिटी हॉस्पिटल्स है उसमें भी जैसे ऑपरेशन हो सकता है, इसके लिए एनेस्थेटिस्ट की व्यवस्था ये जरूर हो जाएगा। मेरा घर पहले बम्बू से बनाया हुआ चांद का घर था और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो स्कीम में घर मिला है, उसमें घर बना के अभी मैं और मेरा परिवार बहुत खुशी से रह रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को मैं अपने तहे दिल से पूरा परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे जो पानी पीने का सिस्टम था वो हम सर ट्यूबवेल से पीता था, जिसमें बहुत आयरन रहता था। अभी हम लोग का जो पानी है प्रधानमंत्री का आशीर्वाद से, हम लोग जल जीवन मिशन से सर हम लोग शुद्ध पानी पीने मिल रहे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश से टेलीकॉम कनेक्टिविटी से संबंधित योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी के मिशन 500 प्रोजेक्ट के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के विकास और कायाकल्प की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मिशन 500 प्रोजेक्ट का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट रीजन के सभी गांवों को 500 दिनों के भीतर 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। श्री रिजिजू ने सभी परियोजना एजेंसियों से केंद्र सरकार, अरुणाचल सरकार, भारतीय सेना, SSB, असम राइफल, ITBP और BRO के साथ तालमेल स्थापित करते हुए निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजाराम ने USOF और DOT सहित विभिन्न योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर रीजन में टेलीकॉम कनेक्टिविटी का ब्यौरा दिया। इस अवसर पर BSNL के मुख्य प्रबंधक निदेशक PK पुरवार ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन 500 प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में बताया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत चीन म्यांमार सीमा के पास ट्रैक टू हूट वैली एक्सपेडिशन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश पुलिस की एक्सपेडिशन टीम को बधाई दी है।
लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में अरुणाचल प्रदेश पुलिस की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई गांवों में नशा विरोधी कम्युनिटी पुलिसिंग सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोइंग में पुरुष और महिला वर्ग में फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। एपीपी राइजिंग डे है, उसी का तहत जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट का जो जितना हम डिस्ट्रिक्ट में मनाया जा रहा है, उसी तरह भी लोअर दिबांग भी पुलिस जो है काफ़ी दिनों से ये सेलिब्रेशन जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस का तहत हम लोग ने कुछ कार्य शुरू किया है। खास करके उसमें से हम लोग जो आउटरीच प्रोग्राम है जो ड्रग्स अवेयरनेस को लेके और मेन तो पॉक्सो को लेके और बहुत सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेके हमने बहुत सारा मेघालय में आयोजित हो रहे दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स की 17 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए 329 खिलाड़ियों का दल राजधानी ईटानगर से रवाना हो गया। आईएसबीटी लेखी में आयोजित कार्यक्रम में अरुणाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने राज्य के खिलाड़ियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे इस बार अरुणाचल की कंटीजेंट 329 कंटीजेंट जा रहे लार्जेस्ट एवर है और इसमें हम 17 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सेप्ट स्विमिंग को छोड़ के। और हमारे जितने भी खिलाड़ी है काफ़ी अपने अपने कोचेस लोग ने काफ़ी ट्रेनिंग दिया गया है और ट्रेनिंग के साथ उनको सेलेक्ट किया है। जिस डिसिप्लिन में जिस एसोसिएशन की तरफ से जो भी अच्छे प्लेयर सेलेक्ट किया है उनको हम अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ने उसको हम अप्रूव कर दिया है। हम ऐसे कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कहीं रास्ते पे रुक जाए। ऐसे कभी कभी नौबत अकस्मत में हो जाता है, जैसे अभी हम जो फुटबॉल टीम भेजा गया है उनकी बास ख़राब हुआ, वो भी बास हम ऐसे बास को भेजा गया था कि जो डीलर से निकला हुआ बास को भेजा है और उसमें बीच में ख़राब हो गया, लेकिन उसको रिपेयरिंग करके हमारे प्लेयर सही सलामत शिलोंग पहुंच गए हैं। और इस बार हमने स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज भारत और विश्व भर में धार्मिक श्रद्धालु के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ. बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरु नानक जयंती पर सभी नागरिकों, विदेशों में रह रहे भारतीयों विशेषकर सिख समुदाय के भाई बहनों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया जिसका मतलब है कि ईश्वर एक है और हर जगह है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे की सीख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाएं एक न्यायपूर्ण और करुणामयी समाज के निर्माण में मार्गदर्शन करती रहेंगी। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट गुरुद्वारा में आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विशेष प्रार्थना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हुए। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु नानक जयंती पर राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले श्रद्धालुओं ने प्रार्थना सभा में भाग लिया और समाज में सुख शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्य के श्रम और ऊर्जा सचिव अजय कुमार बिष्ट, पापुम पारे के जिला उपायुक्त सचिन राणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आप सभी को गुरु नानक पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा सर ने बताया, हमको आज 553 बर्थडे सेलिब्रेशन है गुरु नानक जी का। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सीख सिखाई है, पर्टिकुलरली जो उनका सर्विस मोटो है जिसके लिए सिखिज्म कल्चर बहुत जाना जाता है। कोई भी आपदा होगा, कोई भी कैलामिटी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सिख सबसे पहले आते हैं और सेवा करते हैं। वो सेवा का भाव इसी तरह के बहुत सारे गुरुद्वारों से निकला।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दोईमुख की LHP हेल्थ विजिटर्स लोंकू याक को जन स्वास्थ्य में विशेष रूप से जनजातीय आबादी की सेवा में 26 साल के अनुभव के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाई है, साथ ही प्रधानमंत्री मां सुरक्षा दल के मुखिया के रूप में भी काम किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोंकू याक को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की बधाई दी है। आपने प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान दल के मुखिया के रूप में भी काम किया है, श्रीमती लोंकू याक। हाल ही में नेशनल साइंस म्यूजियम कोलकाता में आयोजित नेशनल साइंस सेमिनार में रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल खोंसा की कक्षा 10 की छात्रा बोम्बी कातो ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 छात्रों ने हिस्सा लिया। लद्दाख की दीक्षित ओंगमो इस सेमिनार की विजेता रही। 7 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी गेतो सोरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राज्य के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बैंकॉक में आयोजित मल्टीनेशनल BTY योनेक्स सिंघा चैंपियनशिप में गेतो सोरा ने प्रतियोगिता के फाइनल में थाईलैंड के फुकित छांगतारांगसे को 20-11 से पराजित कर कीर्तिमान स्थापित किया। अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव बामांग तागो ने बताया कि गेतो सोरा को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। आदि बाने आने के बांग की ईस्ट सियांग जिला इकाई के सदस्यों ने सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग का दौरा कर परिसर में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। ABA की जिला इकाई की महासचिव टिगुल मेगू दारांग, शिक्षा सचिव ओपेट जामो मोयोंग, प्रशासनिक उपाध्यक्ष जे लेगो पर्टिन सहित कई सदस्यों ने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला से स्कूल में महिला तथा बाल सुरक्षा के विषय में चर्चा की। यहाँ में आप लोग का एनवायरमेंट, आप लोग का जैसे एटमोसफियर को देख के हम लोग में भी पेट्रियटिज्म आ जाता है। गर्ल्स को भी इस बार से लिया हुआ है, तो गर्ल्स इसको भी विजिट किया हम लोग ने, गर्ल्स का हॉस्टल को। उसमें जैसे आप लोग क्लीनलीनेस मेंटेन करता है, हाइजीन मेंटेन कर देते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।